बहुत वक्त करके पढ़ाई से या कर भाई इतने पढ़ा ली लिखा ली तो ये बाप सरकार की मेहनत करेगी तो इसका एडमिस भी करा लेंगे। हम गरीब आदमी कैसे पढ़ाते हैं तो इसका फीस का खर्चा ये कैसे उठाया करते हैं, कितनी मुश्किलें उठाई हैं? फीस का खर्चा जी दिहाड़ी मजदूरी करके थोड़ी कमाई से करके फेरी लगा के ऐसे उठाया कर दे जी हम तो कभी पैसा कदे भूखा पैसा रह गया, कदे तिसाए रह गया, कदे ऐसे रह गया, कदे टाइम पर खाना मिला कदे नहीं मिला जी। अब क्या करा, कदे भूखे सोए कदे इस टाइम पर। आपकी बेटी इतनी पढ़ी है, कैसा महसूस हो रहा है, कितनी खुशी है? तो खुशी तो जी सही, आपको भाई इतनी मेहनत से करके पढ़ाई से तो खुशी तो सही जी। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार इसका भाई सारा लगाएगा तो इसका एडमिस करवा देंगे, अगर ये कोई सरकार करवाओगी तो ये आपका कोर्स कर लेगी, पढ़ा लेंगे। और क्या दूसरे लोग भी कोई बात करा करते हैं दूसरे की बेटी को भेज रहे हो पढ़ने के? नहीं नहीं, कोई मना नहीं करी किसी ने, सब कहा करते भाई खुशी है आपको पढ़ाओ भाई, बेटी की मेहनत करो पढ़ाओ आप। तो पड़ोसी आपके आपके जो समाज के लोग वो क्या कहते हैं? कहते भाई बहुत खुशी से वैसे भाई मेहनत करके आपकी गुड़िया दिहाड़ी मजदूरी भूखे प्यास लगा के करके पढ़ाए ना तो बहुत बढ़िया सब। अब मिलने के लिए आते हैं लोग बधाई देने के लिए? आ भी जाते हैं जी, कोई आ जाते हैं, बहुत खुशी मत आए भाई आपके इन पढ़ाई लिखाई गरीब आदमी झुकिया हुआ ऐसा क्या करता था। क्या नाम है जी आपका? मेरा श्याम सिंह नाम है। बुढ़िया को तो ऐसे भाई छात थावे नहीं बनाते हैं, रोड के पास भट्टी गाल के काम भी कर लेते हैं, कभी काम आ जाता है कभी को नहीं आता है, लिफेरी का भी काम करते हैं जी। ऐसे भाई मेहनत से कराया है, किसी के पास भाई नहीं भी हो तो उधार सुधार ले के भी बुढ़िया को कापी किताब दे रही थी। अच्छा, ये जो पढ़ाई गुड़िया ने की है इसके लिए किसी ने आपको सलाह दी थी या खुद ही प्लानिंग थी या गुड़िया की खुद की सोच थी? जी कोई गुड़िया की भी सोच थी, कुछ माँ बाप की भी सोच थी, भाई ऐसे सोच रहे थे भाई बच्चा कोई पढ़ लिख जाए तो कोई कामयाब हो जाए थोड़ा पैरों पर खड़ा हो। खुद पढ़े लिखे हो थोड़ा? नहीं नहीं, अनपढ़ हूँ जी। कहाँ पढ़ी है, कितनी पढ़ी है जी? ये प्राइवेट स्कूल में बिठाई थी, ये कैप्टन स्कूल के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या कैसे गुजार किया? फीस तो जी उसने कोई दिन तो फीस ली, फिर कैप्टन स्कूल वाले को हम ऐसे बोले हमारे से फीस नहीं पटेगी, भाई गुड़िया को सरकारी स्कूल में बिठाएंगे। जैसे वो मार्ट देख के उन्होंने बोला कि भाई गुड़िया को हमारे स्कूल से ना उठाओ जी, तुम्हारी फीस है ना मैं माफ़ कर दूँगा, भाई गुड़िया होशियार है। तो प्लस टू तक उसने फ्री पढ़ाया? दसवीं तक फ्री पढ़ाया जी। उसके बाद फिर आपने फीस देनी शुरू कर दी? ना, फिर सरकारी स्कूल में बारहवीं करवाई जी। अच्छा, और कॉलेज कहाँ भेजते थे, कॉलेज में क्या पढ़ाई करी है? कॉलेज में तो जी ये बीएससी पढ़ाई करी है, ये झील के पास कॉलेज है, मेरे को देखो अनपढ़ मेरे को तो नाम तो आता नहीं। तो सामने? हाँ तो सामने ही है जी, वहाँ करवाई है बीएससी। तो अब क्या करना चाहती है आपकी बेटी? अब मेरी बेटी ऐसे सोच रही है जी मैं पैरों पर खड़ी हो जाऊँ तो कोई गरीब परिवार है जी, कोई समाधान तो है नहीं। उसके लिए कितनी आती थी और इस दौरान जब बेटी पढ़ने जाती थी आसपास के लोग कुछ कहते थे? ना ना, कुछ भी नहीं कहते थे जी। मुश्किलें आई अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए? पढ़ाने के लिए तो मुश्किल तो है ही जी, दाढ़ी दफा बन जाता भी नहीं बनता भी है तो दिक्कत तो होती है हमारे पास। कभी भूखे पैसे भी रहे उसके लिए? भूखे पैसे तो ऐसे है भाई, मजदूरी बन गई तो काम चल गया, नहीं बने तो हमने भूखे ने भी टाइम काटना पड़ता है। तो आप कौन सी पढ़ाई करना चाहती हैं आपकी बेटी? पढ़ाई तो मैं तो अनपढ़ हूँ, गुड़िया ही बताएगी जी क्या करेगी। लेकिन फील कैसा कर रहे, कैसा महसूस कर रहे हो आज? बेटी इतना पढ़ी है, मीडिया भी बात कर रही है, लोग भी जी तो इतना पढ़ी है तो हमारे को भी खुशी हुई है भाई गुड़िया इतनी पढ़ी है, आगे पढ़ेगी तो और भी खुशी होगी। आसपास के लोग भी कहते हैं कि अब वो अपनी बेटियों को झुग्गियों वाले पढ़ाएंगे, अब ये कहते हैं ऐसी कोई बात? पढ़ाने के लिए तो कहते हैं भाई लोहार समाज में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, पढ़ाएंगे तो ठीक है, फिर इनके लिए भाई गरीब जाति के परिवार के आदमी हैं, इनके पास इतना खर्चा वर्चा तो नहीं होता। तो आपकी बेटी ने बीएससी की, तब आपके समाज के लोगों ने आपको बधाई दी, कहा कि आपने अच्छा काम किया, क्या कहा लोगों ने? लोगों ने तो बधाई, अच्छा ही काम किया, कभी बधाई भी दी है भाई, गरीब परिवार का है भाई, इतना मेहनत से इसने करवाया है तो भी आगे के लिए भी कोई सरकार भी समाधान करे, कोई और भी समाज का कोई समाधान करे। क्या मांग करते सरकार से, आपकी किस प्रकार मदद कर सकती है? सरकार से तो ये ऐसे ही है जी, कोई बच्चा लिखे पढ़े तो कोई कामयाब हो जाए भाई, ऐसे झुग्गी झोपड़ी में बैठे हैं, बरसात आती भी भीग जाती है, पानी भी आ जाता है, दुख भी हो जाता है, यहाँ से कोई उठा भी देता है कोई होता है।
तो दूसरे पेरेंट्स को जो माता पिता को कहना चाहेंगे कुछ जो झुग्गियों में रहते हैं घुमंतू प्रजाति के हैं, पढ़ाई के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए? जी हम तो ये सोच रहे हैं भाई बच्चे हमारे कामयाब हो जाए, कोई सरकार मदद कर दे तो लिख पड़ जाए। मैं लाली, आई एम स्टडी इन BSc मेडिकल, जो मतलब कि मेरे माता पिता ने बड़े सहयोग से ये मुझे पढ़ाया और बड़ी कठिन परिस्थितियों के साथ मुझे पढ़ाया। तब मैं छोटी थी, तब दो मेरे बड़े भाई थे, उनके साथ स्कूल जाती थी। फिर उनके बाद मैंने कैप्टन स्कूल में एडमिशन लिया, जो कि वो प्राइवेट था। तब जब मेरा एडमिशन कैप्टन स्कूल में हुआ, तब मेरी प्राइमरी से लेकर थर्ड क्लास तक फीस लगी थी। फिर जो मेरी मम्मी यूँ बोली कि भाई मैं अपनी लड़की का नाम कटवाऊँगी, क्योंकि मुझे प्राइवेट स्कूल की फ़ीस देने के खर्चे में बहुत ही कठिनाइयाँ होती है। फिर जो कैप्टन स्कूल के प्रिंसिपल थे ना, जो राजेंद्र सर, वो बोले कि भाई इस लड़की ने मेरे स्कूल का नाम रोशन किया है, तो मैं इसको 10th class तक फ्री पढ़ाऊँगा। और मैंने +1 +2 गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल तोसाम से की। BSc मैंने चौधरी बंसीलाल गवर्नमेंट कॉलेज तोसाम से ही की है। तो लाली, इस दौरान क्या क्या दिक्कतें आई फीस को लेकर के? जैसे आपको +2 +1 सरकारी स्कूल में करनी पड़ी, वो भी फीस के अभाव में? हाँ, जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल में जब मेरा एडमिशन हुआ ना, तो वहाँ पर 3 महीने की फ़ीस लगती थी, मतलब 322 भी लग जाते थे, 350 भी लग जाते थे, ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में भी लगते थे। और जब मैंने चौधरी बंसीलाल गवर्नमेंट कॉलेज में तोशाम में ही एडमिशन लिया BSc के लिए, तब स्टार्टिंग में एडमिशन हुआ था ना, तब मैंने 6,500 रुपये ऑनलाइन फ़ीस उनकी भी कटवाई थी, सेकेंड ईयर की 2,200 और फाइनल की भी 2,200। तब कोई हेल्प के लिए टीचर वगैरह बाद में नहीं आया कोई? नहीं, हमारी कोई हेल्प के लिए नहीं आया। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा पेरेंट्स को ये 6,000 5,000 इकट्ठा करना? बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर ये पढ़ाई नहीं करवाएंगे तो भी आगे दिक्कत ही होती है। मानव का जीवन तो शिक्षा के बिना तो पशु के समान होता है। अच्छा, हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में तो आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई बच्चा हो, भाई कोई भी नागरिक हो। कोई पढ़ता नहीं, लगभग मजदूरी करते हैं, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे समाज में वैसे तो पढ़ते हैं, लेकिन वो 5th 5th class 6th 6th class तक कर छोड़ देते हैं। तब मैं छोटी थी, तब मैं कैप्टन स्कूल में जाती थी, तो वहाँ के टीचर स्टाफ जो थे ना, वो मुझे यूँ ही बोलते कि बेटा आप स्कूल मत छोड़ना, आप अपनी पढ़ाई जारी रखना, अगर माता पिता पढ़ाएंगे 10th तक तो मैं आपकी पढ़ाई करवाऊँगा, फिर आप गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लेना, फिर आप आगे कुछ करोगे भाई वो देख लेना। वो यहाँ तक तो उन लोगों ने बताया, फिर मैंने चौधरी बंसीलाल गवर्नमेंट कॉलेज में BSc के लिए एडमिशन ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था हरियाणा के पानीपत से? हाँ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया था, उससे हमें कुछ लाभ तो नहीं मिल रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला तो रहे हैं, लेकिन हमें कोई मदद ही नहीं मिल रही। हम भी तो पढ़ रहे हैं, अगर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रहे हैं, तो मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी तो आगे बढ़ सकती हूँ। तो किस प्रकार से मदद कर सकती है सरकार, क्या मांग करें सरकार? सरकार हमारी यही मदद करे भाई, हम भी तो कुछ कामयाब बन के सरकार को दिखाएंगे एक दिन ना एक दिन। तो सरकार से हमारी यही निवेदन करते हैं कि भाई वो हमें रहने के लिए आवास दे और हमारे बच्चे को शिक्षित करने में भी सहायता करें। अच्छा लाली, घुमंतू प्रजातियों में आजकल भी ऐसा चलता है कि बाल विवाह या बचपन में ही विवाह कर दिया जाता है, आपके सामने भी ऐसी नहीं ऐसा आते थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? लेकिन हमारे समाज में करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनका शादी पहले कर देते हैं। तो फैमिली पे प्रेशर नहीं आया कि बेटी को ब्याह दो अब बहुत पढ़ ली है ऐसी? नहीं, मुझे पढ़ाई से इंटरेस्ट ही था, तब मैंने मना कर दिया। तो अब क्या करना चाहते हैं आप? अब मैं GNM का कोर्स करूँगी। उसके लिए कोई सहयोग की जरूरत है या वैसे ही कर लेते हैं? सहयोग की तो जरूरत होती ही है सर, अगर प्राइवेट में एडमिशन लेंगे तो कम से कम 4-5 lakh का खर्चा तो होता ही है। GNM की तो फीस आपको पता ही होगा, और अगर गवर्नमेंट में लेते हैं खर्चा तो उसका भी होता है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा होता है। तो सरकार हमारी मदद करनी चाहिए, सरकार को भी। आपसे कोई सरकार का कोई प्रशासन का नुमाइंदा मिलने आया, किसी ने बधाई दी है? नहीं, हमसे कोई मिलने नहीं आया यहाँ पर।